सोनीपत में कोरोना से हालात हो रहे हैं बेकाबू। रोजाना औसतन 10 से 12 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। दिल्ली से निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे कोरोना के मरीज बढ़ा रहे हैं सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग की दिक्कतें। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में लग रहा है कोविड-19 से जान गंवाने वाले मृतकों के शवों का ढेर। प्रदेश में अब कोविड-19 अपना चरम रूप दिखा रहा है। हम आपको दिल्ली NCR के लगते हरियाणा के सबसे नजदीकी जिले सोनीपत में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि सोनीपत सेक्टर 15 में बने शमशान घाट में कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों की संख्या में एकदम इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से यहां हर रोज औसतन 10 से 12 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन सोनीपत स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये से अधिकतर मरीज दिल्ली व अन्य जिलों से ताल्लुकात रखते हैं जो कि यहाँ सोनीपत में निजी अस्पतालों में भर्ती हुए थे। सोनीपत में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और दिल्ली व अन्य जिलों से सोनीपत के निजी अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे मरीज अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या में एकदम से इजाफा हुआ है और सोनीपत सेक्टर 15 के शमशान घाट में जल रहे ये शव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिरकार ये कोरोना की दूसरी लहर कितने मरीजों की जान लेगी, ये कहना संभव नहीं है। हालांकि सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार अब निजी अस्पतालों पर नजर बनाए हुए है जो कि बाहर से आए हुए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी भी सोनीपत CMO ने बना दी है। सोनीपत सेक्टर 15 के शमशान घाट के पुजारी आकाश की माने तो पिछले एक सप्ताह से हर रोज 10 से 12 मरीजों का कोरोना के नियमों के तहत दाह संस्कार यहाँ हो रहा है। सोनीपत CMO JS पुनिया ने भी बताया कि सोनीपत के निजी अस्पतालों में दिल्ली में अन्य जिलों से कोविड-19 के मरीज दाखिल हो रहे हैं और उनकी अधिकतर मौतें हो रही है, जिसके चलते शमशान घाटों में इतने शव जलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां पर मरीज का कोरोना टेस्ट होता है वहीं पर उसकी मौत का रिकॉर्ड दर्ज होता है। हमारे पास शमशान घाट में दाह संस्कार हुए मरीजों का पूरा डाटा है। आकाश, आज कितने शवों का दाह संस्कार है वो किया गया है कोविड नियमों के तहत? अभी तक हो गया जी 14 डेड बॉडी हो चुकी है। अच्छा, सभी कोविड नियमों के तहत हुआ है? हाँ जी, 14 के 14 का। हाँ जी, तो वहीं पर से हैं जी सभी? आप बाहर से बताया तो कोई खानपुर से आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से आ रही है बॉडियाँ। कल भी 10 थी, ऐसे 8-10 रोज हो ही रही है। कितने दिन हो गए सर ये पूरा जी? एक हफ्ता तो हो गया, 8-10, 6-7 ऐसे बॉडियाँ होती हैं। 8-14 आई हैं? 8-14 बॉडियाँ हो चुकी है अभी तक। पूरे नियमों के तहत हो रही है सर? हाँ जी। हाँ देखिए, जो मैं बताया ना, तकरीबन 95% तो होम आइसोलेशन में, 5-10% है जिनको ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में भी मैंने बेड स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, 50 बेड और एडिशनल कर दिए है। तो हमारे पास जितने 200 बेडेड कैपेसिटी है उसमें 150 में कोविड के ले लिए हैं सब, और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन उसके, इसके लिए बैकअप हमने सिलेंडर और ले लिए हैं जिसमें डी टाइप के सिलेंडर है, 100 सिलेंडर बड़े वाले हमने रख लिए हैं भरवा करके, और 200 सिलेंडर हमारे पास छोटे वाले सिलेंडर है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ इसी ऑक्सीजन को पूर्ति पूरी करने के लिए जो हमारा भरा जाता है भालगढ़ से, उसके लिए भी DC साहब के अध्यक्ष में कल मीटिंग हुई है, उसमें भी हमारी मॉनिटरिंग टीम लगा दी है जो ऑक्सीजन की सप्लाई पर निरंतर चेक रखेगी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट खुद हैं और सिविल सर्जन हैं और एक हमारे DCO लिए हैं। तो इसके साथ साथ सभी पर रहेगा ताकि हमारे सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों में ऑक्सीजन कमी ना रहे। सर, जिस तरह से कल सोनीपत के सेक्टर 15 शमशान घाट में 1400 का अंतिम संस्कार किया गया, हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, अब तो ऐसा हो गया कि NCR में हमारा रहते हैं यहाँ पे, तो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें दिल्ली के पेशेंट आ जाते हैं, और ये सही है कि जो शमशान घाट पे हैं वहाँ भी जो क्रीमेशन वहीं की जाती है, तो वहाँ डेफिनेटली आंकड़ा बढ़ा है। सर, अपने हॉस्पिटल में रात को जिस मरीज की मौत हुई है उसके परिवार वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी उसको लगी? नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल मैं खुद दुरुस्त देख के आया हूँ, ऑक्सीजन कोई कमी नहीं हमारे पास, और टर्मिनल स्टेज पे है उसका। जो अंदर है, जो डॉक्टर है, वो अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वो मैंने अभी PMO साहब और उनकी DMS की मीटिंग ली है, इसमें ऐसी कोई असुविधा नहीं है हमारे पास। मैंने खुद देखा है, राउंड द क्लॉक मैंने फिजिशियन की ड्यूटी लगा दी है, वो राउंड लेते हैं। कल भी डॉक्टर सीमा थी, उन्होंने स्पेशल राउंड लिए हैं, आज डॉक्टर शैलेंद्र है फिजिशियन, हमारे पास 3-4 फिजिशियन है, तो उस तरह की कोई तरह की कोताही नहीं होने दी जाएगी, और डेफिनेटली बड़े अलर्ट मोड पर इनको सबको ध्यान रखा जाएगा। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।